तो चलो प्यारे बच्चे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ, अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन है भाई? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, हीलियम न्यूक्लियाई है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन MeO और मास ऑफ प्रोटॉन MpO, तो ये लगभग लगभग बराबर होते हैं। तो अगर इस पे चार्ज E है, तो इस पे भी चार्ज E है, तो इस पे जो मास है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन, लगभग लगभग बराबर होते हैं। और ये 4 टाइम्स मास आ जाएगा और 2 टाइम्स चार्ज के इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के अगर तुम देखोगे, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे कम मास का इसमें से कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इनके बीच मास का रिलेशन आ गया। तो अब मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ बड़े आराम से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं डी ब्रोगली हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो पढ़े होगे, तो एच अपॉन लीनियर मोमेंटम MB, और इस लीनियर मोमेंटम को मैं 2 टाइम्स मास और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो 2 कांस्टेंट है, तो लैम्डा प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो 1/m अंडर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे अधिक है, ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन उससे थोड़ा कम होगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जरा सा कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे कम होगा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन और ये लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से तुम देखोगे, तो कौन सा इसमें से सोल्यूशन सही मैच कर जाता है, दैट इज डी ऑप्शन सही है। तो ये बिल्कुल गलत बात है और ये सारे गलत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।